तो आज मैं जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने खेत में, और खेत में इसलिए कि पहाड़ों का खेत तराई और इंडिया के खेत से अलग होता है। उसमें जो उसका खेती करने का पहाड़ी लोगों का होता है, अलग स्टाइल होता है। और साथ में भाभी है और ये भतीजी है, तो चलिए दिखाते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर टूरिस्ट लोग रहते हैं इस तंबू में, विदेशी लोग, विदेश से आए हुए टूरिस्ट लोग हैं। और वही बगल में पीछे एयरपोर्ट है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रामेछाप, ये एयरपोर्ट जाने का ये रास्ता है, ये एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, पास में है, बिल्कुल पास में। यही है एयरपोर्ट का गेट। ये देखिए प्लेन एयरपोर्ट में आ गए हैं, और ये है प्लेन, एरोप्लेन सीता एयर का नेपाली प्लेन। साथियों देखिए, एयरपोर्ट मंथली एयरपोर्ट रामेछाप नेपाल का कैसा है, और अभी प्लेन लगा हुआ है। ये मेरे पीछे विदेशी लोग हैं। रेस्टोरेंट मेरे पीछे में है, एयरपोर्ट के पास का रेस्टोरेंट कैसा है होटल, यहाँ पर विदेशी लोग कुछ खाते पीते हैं। दोस्तों रास्ते में एयरपोर्ट था, अभी हम खेत जा रहे हैं, सब्जी खेत, लेकिन रास्ते में एयरपोर्ट था तो एयरपोर्ट का सीन ले लिए हैं। और ये देखिए धान सब हमारे पीछे, कितना अच्छा धान है, और घर भी है, ये देखना अच्छा है। ये देखिए खेत में गई है मूली उखाड़ने कि क्या करने। ये देखिए ये मूली है, ये देखिए हम आ गए हैं खेत में, ये सब्जी का खेत है। और ये देखिए इधर पीछे धान है,
दोस्तों इसको पहचान लीजिए, दोस्तों इसको पहचान लीजिए, ये क्या है? इसी का दारू बनता है, लोकल नेपाली दारू। और ये बैगन का खीरी, वाह कितना कितना हाइट है देखिए, मतलब ये देखिए, ये है क्या बैगन, और बैगन का साइज 7 फीट, 7 फीट है, आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखिए इसमें बैगन लगा हुआ है, बैगन का फूल, बैगन का फल, ये सब कुछ दिखेगा। ये देखिए ये क्या है, ये खेत को जोतने वाला चाइनीज हल। और ये खेत में पानी देने वाला पाइप। उधर जो सामने दिख रहा है घर, वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक पद्धति से बनाया हुआ घर है, स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए, स्ट्रॉबेरी अस्ट्रॉबेरी जो भी, कुछ लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। और इधर ये जो पीलर जैसे लगा हुआ है, ये खेतों में लगा हुआ पीलर जैसे, और इसके नीचे मतलब सब्जी लगाया हुआ है। क्या चीज़ का सब्जी लगाया हुआ है देखते हैं जाके। दोस्तों ये देखिए सजमन कद्दू के लिए या घीरा के लिए बनाया हुआ है, के साथ इस पर वो ऊपर की ओर जाता है। और ये राया का साग है जो बाहर भी टीप रही है, नीचे तोड़ रही है। ये देखिए लौकी, सजमन लौकी का खेत। मरुआ, ये देखिए ये मरुआ, इसी का मतलब लोकल नेपाली शराब बनता है दारू। रोटी भी अच्छा है, इसका रोटी भी बनाते हैं, और इसका नेपाली में ढेरो भी बनता है, कोदो का ढेरो, हलवा, हलवा जिसको हलवा बनते हैं बोलते हैं अपने लोग हिंदी में, वही। ये देखिए बोरिंग, ये मोटर लगा हुआ है, और इसी होकर के पानी खेतों में डालते हैं। ये देखिए भाभी टीप रही है, तोड़ रही है साग, अरुआ का साग इसको बोलते हैं। और इधर भिंडी है, और इधर भी ये है पिलर लगा करके खेती किया हुआ। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर करेला है, करेला है, कितना मेहनत से बनाते हैं ये लोग, करते हैं खेती। करेला 50-60, लहसुन टमाटर छाई ना तरकारी धेरे तो यूके से इसमें के यो सब बंदा गोभी। भाभी खरीद रही है, ये सब्जी खरीद रही है भाभी, क्या सब ले लिए? टमाटर, टमाटर, करेला, लहसुन, क्या क्या, बंदा गोभी है ना। दोस्तों ये देख लीजिए क्या है, मतलब टमाटर जैसे लगता है लेकिन टमाटर है नहीं, ये हलवा वे था, भाभी ज्यादा खाई हुई, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा फैमिली, और ये देखिए मनीराज इधर।